हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई आज की जो वीडियो है ना, वो है हमारी गाड़ी में जो टायर यूज होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा फन फैक्ट है जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना है, राइट। और कई टाइम पहले ना मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टायर हमारे जो गाड़ी में यूज होते हैं अगर वो ओवर इन्फ्लेटेड हो या अंडर इन्फ्लेटेड हो तो उसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं और आप उनको कैसे पहचान सकते हैं, राइट। तो आज जो मैं आपको फन फैक्ट शेयर करूंगा ना आपके साथ में, तो वो इतना ज्यादा आपके काम आने वाला है और बहुत नॉलेजेबल है। देखो ये जो मैं आपको जो बता रहा हूं ना, इसका सोर्स एक्चुअली में क्या है, इसका सोर्स है भाई, आप अगर आरटीओ की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहां पे ना ड्राइवर्स के लिए जो गाइडलाइंस होती हैं, जो उन्होंने पूरी जानकारी दी होती है, तो वहां पे उन्होंने ये फन फैक्ट शेयर करा है। तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये बताना मेरा फर्ज है। तो वो फन फैक्ट क्या है भाई, वो फन फैक्ट है, देखो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसर्च करी होगी तभी ये चीज जो है शेयर की है, ठीक है। कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। तो इसमें क्या है, देखो जो हमारी गाड़ी में टायर हम जो यूज करते हैं ना, इसमें आपको पता है कि एक रिकमेंडेड एयर जो प्रेशर होता है वो होता है, ठीक है। और हर गाड़ी का जो रिकमेंडेड प्रेशर होता है वो आप लोगों को पता होता है, आपकी जो ड्राइवर साइड होती है ना वहां पे बकायदा मेंशनड होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपको क्या है कि अंधाधुंध उसमें हवा भरवा लेनी है। और आपने कई बार ये चीज नोट करी होगी, जब आप कभी जाते हैं ना पेट्रोल पंप पे या कहीं भी हवा भरवाने के लिए, उनका सेट होता है कि वो 35 PSI पे जो हवा होती है वो भाई भर देते हैं, ठीक है। अब कई बार, अब जैसे मेरी गाड़ी फॉर एग्जांपल ब्लेंड हुए, इसमें जो रिकमेंडेड प्रेशर है वो है 29 का। अब 29 और 35 में सोचो कितना डिफरेंस है, राइट। अब अगर 35 होगी तो गाड़ी कितनी बाउंसी बाउंसी आपको मिलेगी, उछलती हुई गाड़ी चलती रहेगी और आपको इतने झटके महसूस होंगे, आपकी पूरी की पूरी जो राइड कंफर्ट है ना वो सारा खराब हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें क्या है कि अगर ये तो हो गया नुकसान आपका ज्यादा बढ़ने से, अगर मान लो आपके टायर में, मैं देखो चार टायर है, चारों टायरों में से अगर एक टायर में भी आपकी जो रिकमेंडेड प्रेशर है ना, मान लो मैंने 30 का है, ठीक है, 30 PSI मैंने हवा भरवा रखी है, अगर 1 PSI किसी एक टायर में कम होगा, मान लो 8 PSI का मतलब हो गया 22, ठीक है, अगर एक टायर के अंदर भी 22 है और बाकी सब में जो तीन बचे हैं उसमें पूरा 30-30 है, तो वो 1 PSI का कितना बड़ा नुकसान होगा वो मैं आपको बताता हूं। कि अगर ये गलती हम रेगुलरली करेंगे, ऑन एन एवरेज अगर 8 PSI या उससे कम आपका जो एयर प्रेशर है वो कम जाएगा, तो आपकी जो उस पर्टिकुलर टायर है उसकी लाइफ 15,000 किलोमीटर कम हो जाएगी। अगर मान लो वो आपका जो टायर है वो 45,000 किलोमीटर चलना होगा, तो वो 45,000 किलोमीटर की जगह आपका सिर्फ 30,000 किलोमीटर ही वो टायर चलेगा, राइट। और ये गलती आपकी ऐसी होगी एक बार भी नहीं होगा, अगर ये रिपीटेडली गलती हम करेंगे तो ये उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और इसका एक दूसरा नुकसान ये होगा कि ये तो हो गया टायर की लाइफ पे नुकसान, और इसका एक नुकसान ये होगा कि अगर हमारा जो प्रेशर होगा वो 8 PSI कम होगा तो हमारा जो फ्यूल कंजप्शन होगा ना, वो फ्यूल कंजप्शन जो होगा वो बढ़ के 4% हो जाएगा। तो 4% हमारा जो फ्यूल का कंजप्शन होगा वो ज्यादा लगेगा, हमारा ज्यादा पेट्रोल या डीजल जो भी हमारी गाड़ी है वो फूकेगी। तो सोचो सिर्फ 8 PSI का कितना बड़ा हमारा नुकसान जो है वो झेलना पड़ सकता है। तो ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि 8 PSI का कितना बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ सकता है, राइट। तो होप ये जो फन फैक्ट है आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।